धन वाहे गुरु साहेब जी, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जनकल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जनकल राखी मेरी। परम सन्मान योग गुरु परमेश्वर सतगुरु जी का स्वरूप, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी आपो अपने हिरदियां विच सतगुरां दे प्यार सतकार नूं मुख रखदिआं बहुत ही दूरों अते नेड़े तों चल के जुगो जुग अटल दशां पातशाहियां दी जागदी जोत चवर छतर तख जी दे मालक दीन दुनिया दे चरब छांझे रहबर गुरु तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी गोद अंदर पहुँचने कीता। सुल मेरे समय तो आप सारे साढ़े अति सत्कार योग जथेदार बाबा कुलदीप सिंह जी अते सारे व्यंगम जथे तो आप जी ने गुरबाणी गुरु इतिहास की विचार श्रवण की है। उन्हां तो पहलों अनेक ही विद्वाना तो कह लो, रागी सिंघां तो कह लो, गुरु के कीर्तनियां तो आप संगत ने हर जस श्रवण किया है। आओ जिन्हें भी माई भाई बाल गोपाल नौजवान बच्चे बच्चियां गुरु पातशाह जी की पवित्र हजूरी गोद अंदर सुभाई मन हैं, सारे गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहे गुरु जी का। सर्दी की रुत है, ठंड भावें किन्नी है, पर जिन्हां दे हिरदे विच सतगुरु नाल गुरदेव नाल अपने इष्ट नाल अपने प्रभु नाल प्यार हुंदा, ओ जीव ओ शरीर ओ तन ना मौसम ना रुत्तां दी परवाह नहीं करदे। सो संगत जी, इन्हां दिनां नूं देख के आपां नूं ठंडा बुरज सरहंद दीआं नीहां याद आउंदीआं ने ना। सतगुरां दे छोटे साहबजादे वड्डे साहबजादे चमकौर दी गड़ी ठंडा बुर जिथे माता ने अपने छोटे छोटे पोत्रियां नूं अपने हिरदे नाल अपने कलेजे नाल ला करके आखदे हुंदे सन, पुत्तर तुसी गुरु तेग बहादुर साहब दी शहादत नूं ना भुल्लिओ, तुसी गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी शहादत नूं ना भुल्लिओ, तुसी हमेशा अपने धर्म च अपने गुरु दादे बाबे दी लाज पात रखियो। और मैं बड़े विराग नाल अज कहना पैंदा है, अज सोहणियां जिहड़ियां जस्तारां सोहणियां चुन्नियां दुपट्टे कह लईए सोहणियां पग्गां कह लईए माइयां भाइयां, ये सारा गुरु नानक दा ही परिवार बगीचा है। अज दे युग दे विच केश रखने भी औखे हो गए, ठंडे बुरज दे विच रह करके भी माता ने अपने लाला नूं यही सिक्ख्या ते प्रेरणा दित्ती सी, पुत समा किदां दा आवे डोलना नहीं तिलकना नहीं। ते संगत जी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं सी, 7 ते 9 साल दे बच्चियां नूं इन्नी सिक्खी परपक दृढ़ सी। अज कल दे जवाकां नूं संगत जी पंजां प्यारियां दे दशां गुरु साहिबानां दे नाम पुछ लो, वो भी दछने औखे हो जांदे ने, क्योंकि
मान लो जिस बिल्डिंग के थले असी बैठे हैं, ये जिहड़ी मकान है जां जिहड़े छत थले घर विच असी रहिंदे हां, वह मकान नींग दे सिर ते हुंदा है। ये जिहड़ा मकान खलोता है, थंब कह लीए, बीम कह लीए, नींह कह लीए, इन्हां दे सिर ते खलोता है। सिख जिहड़ा शब्द है ना, वह सिखी सिधांतां दे सिर ते खलोता है। उहदी एक मनियाद, एक बुनियाद जड़ी है, वह शहीद ने जिन्होंने अपना बंद बंद कटवा के, खोपरियां लुहा के, चिड़खड़ियां ते चढ़ के, आरिया नाल चरा करके, सरांदियां नीहां च चमकोर दी गढ़ी जिथे एक पासे गुरु साहब दे 40 सिख ने, एक पासे 10 लाख दी फौज, मुगल फौज है। देखो उन्हें परवाह नहीं की, धर्म नहीं छड़िया, अपना ईमान नहीं छड़िया, डोले तड़के नहीं, बिके नहीं, चढ़दी कला दे विच अकाल पुरख दे भाणे नूं, जिदा आपां रोज़ पढ़दे हां गुरबाणी विच, तेरा की आ मिठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मन। उन्हां ने अपना आप कौम लई, धर्म लई वार दिता। सरसा दरिया किन्ना ठंडा होगा उस समय, गुरु महाराज अपने सिंघां नाल, परिवार नाल, अपने महिला नाल, अपने माता सत्कार जोग माता गुजर कौर नाल वो पार करते हैं। तो संगत जी अज देखो किन्नी ठंड है, भावें आप किन्ने मोटे मोटे कपड़े पाए है, चाह दे आप गड़े देने होंगे है, याद रखिए, पर उन्हां दे अंदर किन्ना गुरु साहब का सत्कार ते प्यार, गुरु दे बचन का किन्ना, एक बचन गुरु का सिख दे हिरदे विच किस तरह उतरदा है। पता नहीं साडियां नीहां मन दियां किदां कमजोर हो गईयां ने, असीं जाणा किधर नूं सी यार, किधर नूं रहे हैं। गुरमुख होई है जिहदा मुख गुरु वल हुंदा है, गुरसिख होया है जिहड़ा गुरसिखी सिधांतां ते चलदा है। हिरदे दे कुछ दर्द है, परसों दिल्ली जाण दा सुभाग क्षमा मिलिया, जथेबंद सिंह तां 2-3 वारी जाए आए आ, संगत भी बहुत सारी हरियाणे तो गई सी, भाई जसपाल सिंह जी नितनेम चंदन वाले व्यू जी साढ़े भी कैमरा लैके पहुँचे सन, होर भी बड़े गुरु प्यारे चढ़दी कला विच मेरे नौजवान वीर भाई भैन पहुँचे। तुसी हैरान होवोगे, तुहाडे विचों भी कई गए होने हैं जां जाणगे, खून तो वाला खांदा ही है सारिआं दा। 15 किलोमीटर दे एरिए दे विच 5 साल तो, 6 साल दे बच्चे तो लैके 5 साल दा बच्चा भी धरने ते बैठा है, 1 साल तो लैके 5 साल दा बच्चा। दूजे नंबर ते बजुर्ग 80-90 साल दियां मातावां बजुर्ग सड़कां ते सो रहे है। शनिवार मीह पिया, संगत जी ट्रालियां थले सो रहे है। कोई एड्डी वड्डी चीज़ नहीं सरकार तो मंग करते पे, सिर्फ अपना हक मंगते पे, कोई एड्डी वड्डी ये नहीं भी भारत की सारी प्रोपर्टी मंगन लग पे, वो मंगते पे साढ़े हक दो सानू, सिर्फ इन्नी एक चीज़ मंगते और कुछ नहीं मंगते। मन दे विच आया कि साढ़े गुरु साहब ने साडे ते किड्डी कृपा की, साडे बापू ने श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज ने, इतिहास की एक गाथा बड़ी प्रचलित है, आप बचपन तो छुनते छुनते वड्डे हुए हैं, बजुर्ग भी हो गए हैं, कहिंदे कि श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी के पिता जी कल्याण चंद जी या कल्याण दास जी कह लिए समय दे पटवारी सन, उन्हें श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज नूं 20 रुपये दिते। वो जमाने के 20 रुपये बड़े वड्डे आ, तो बापू नूं 20 रुपये तली ते रख के बचन किया, नानक तू है मेरा पुत्र, कम नहीं करता, कुछ नहीं करता, जा जा करके छच्चा छुद्दा करके आ। तुहानूं ये भी चंगी तरह याद होगा, तुसीं गुरु नानक दे वारस हो,
ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੱਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਚਰਾਈਆਂ, ਚਰਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੱਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਚਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਕ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤ ਵਸਤ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, 20 ਰੁਪਈਏ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 20ਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਚਪੇਟ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਹ 20ਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ 20ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵੀ ਖਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਡੰਡਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁਲੇਖੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਹੋ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁੜਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਬਚਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ
हर जाति हर धर्म हर वर्ग बड़ा खुशहाल चढ़दी कला विच है। हिंदू भरा मंदिर जाते सोहने लगते आ, सिख गुरद्वारे जाते सोहने लगते आ, संगत जी मुसलमान मस्जिद जाते सोहने लगते आ, ईसाई मत अपने चर्च जाता सोहना लगता है। एक दूजे ने कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्हों कोई लड़ाई झगड़ा इन्हों का नहीं है। सारे बड़े खिड़े मत्थे अपने अपने इष्ट नू अपने प्रभु नू अपने परमेश्वर नू त्योंदे है, बंदगी करते हैं, धूपबत्ती लाते हैं, पाठ करते हैं, जां किदां किदां परमेश्वर नू मनन दे रंग ढंग ने मनते हैं। सब तो सुंदर यह है कि साढ़े इस मुल्क दे विच हर जाति हर धर्म खुल के अपने इष्ट नू मनदा है और सारे रल मिल के रहिंदे, पर सियासत दी बली इह देश चढ़ चुकी है। दूसरा सवाल उन्हें पूछा कि भारत दे विच सब तो बुरा की है, मैं क्या राजनीति सियासत। संगत जी जिन्नियां भी वंडियां पाईयां गईयां जां समें अनुसार वंडियां पै रही हैं वो सिर्फ सियासत दा रंग है, लोग आप च लड़ मर के राजी नहीं हैगे। संसार दे नौजवान पढ़े लिखे है सारे रल मिल के राजी ने, सारे परमात्मा दे गुरदास करदे। मैं अगे भी जिक्र कीता है सिख होम बिना स्वार्थों, साढ़े गुरदेव ने सानू सिखाया भी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। असी रोज़ नितनेम करके भावें असी 2% मनते हैं, पर रोज़ हर गुरु का सिख बच्चा बच्ची भावें सहजधारी है भावें सिख अमृतधारी है, पर जपजी साहब सारे पढ़ते। मैं देखे मोने बंदे भी जपजी साहब पढ़ते हैं, जपजी साहब करके अरदास करते, बाबा समुचे जगत का सारिया का भला करी, सारिया का भला मंगते। आओ अज आप भी अरदास करते हैं कि महाराज जोड़े अपने हकों गए है और जिदा उत्थे बैठे राजी खुशी अपने परिवार, अपने मापियां कह लीए बच्चे नौजवान भी ने अपने परिवार राजी खुशी चढ़ती कला से वापस आन। सो संगत जी गुरु नानक साहब का जोड़ा सिद्धांत है, नाम जपो कीर्त करो तो वंड के छको, सानू उस सिद्धांत की पालना करनी चाहिए है। उत्थे हिंदू वीर भी ने, उत्थे मुसलमान वीर भी ने, सारे मत उत्थे पहुँचे है, इस करके गुरदेव सारे दे भला करे। बाबे नानक दे चरणा च, गुरु ग्रंथ साहब दे चरणा च यही अरदास है, आओ चढ़दी कला वास्ते नाम जिहड़ी परमेश्वर ने सानू दा दित्ती ना, नाम सिमरन, सिमरन दे विच इन्नी ताकत है। कई लोग कहिंदे साडियां आदतां नहीं बदलदियां, साडे विचार नहीं बदलदे, साडे ख्याल नहीं बदलदे, साडे मन विच माड़े जां मलीन ख्याल आउंदे है। जिन्हां लोकां ने बाबे दे माला दा जाप कीता जां गुरबाणी दा जाप कीता, श्री सुखमनी साहिब दा जाप कीता, जां संगत जी वाहिगुरु ही जपिया है, सच करके जाने एक ना एक दिन उन्हां लोकां दी सोच भी बदलदी, विचार भी बदलदे, माड़े फुरने ते ख्याल भी बदल जांदे। कहन तो भाव मनुख दा जीवन बदल जांदा है। आओ समुचे जगत दी शांति लई, सारियां दी चढ़दी कला लई आपां सारे रल मिल करके सिमरन करिए कि गुरदेव सच्चे पातशाह अकाल पुरख अपने रहमत प्रयात रख के सारिआं दे कारज महाराज फतेह करे। आओ बड़े प्यार दे नाल सारे जाप करिए, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम
सत नाम वाहे गुरु, 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 सत
वाहेगुरु सत नाम 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 वाहेगुरु तो संगत जी जपिया नाम गुरुदेव सच्चे पातशाह अपने चरणा कमलों प्रवान करन सारयां नूं महाराज चढ़दी कला बख्शे जिन्हां आसावां नूं मनोकामनां भावनावां नूं लै करके आप छोटे बच्चियां तों वड्डियां बजुर्गां मतावां पैणां ने बाबा श्री चंद जी दे पावन अस्थान ते हाजरी भरी है। गुरु बाबा जी के चरणों के विच यही अरदास है, वो साड़ियां आसावां साड़ियां मनोकामनावां साड़ियां भावनावां सच्चे पातशाह पूर्ण करन चढ़दी कला सानू बख्शे। जिन्हां मनोरथां नू लै करके दाते दे चरणों के विच दातां लैण वास्ते आए हाँ, अज तो नहीं जिद्दन तो ये अस्थान शुरू होया गुरु कियां संगतां ऐतवार नूं उस दिन तो हाजरी पा रही ने, अज 21 साल हो गए है। सो गुरु साहब साड़ियां आसावां नूं साड़ियां मनोकामना पूर्णियां करन साडे बच्चियां नूं परिवारां नूं महाराज चढ़दी कला बख्शे। जिहड़ियां फौजां दिल्ली नूं पहुंचियां मारो कारज फतेह करे और वह भी सुख शांति नाल अपने घरां नूं पहुंचण। सो इन्नियां कु हाजरियां आप सारे प्रवान करियो। एक मैं होर बेनती विशेष करके करा, धर्म सारे पूजन योग है, सत्कार योग है, सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग। शिवजी भगवान जी सतयुग दे विच आए है, त्रेता द्वापर आप सारिआं नूं पता है, कलयुग दे अवतार श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। जदों अरदास हुंदी ना, अरदास मैं एक बार फिर दोबारा कहां, अरदास अरदास दे विच इन्नी ताकत है, इतनी बरकत है, पर जेकर साडा मन उस अरदास दे विच शामिल है तो संगत जी जिहड़ी इच्छा हुंदी ना, इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर गुरु का घर एडा वड्डा है
कि वह अरदास जेकर साडा मन जुड़िया हो गुरदेव जिथे तक मेरा अनुभव है साड़िया झोलियां भी छोटिया रह जा गुरु इन बख्शिशा तो इन बरकत पाँगा पर जेकर साडा तन जुड़िया मन नहीं जुड़िया वह गुरु का कसूर नहीं साडे मुकद्दर का साडे कर्मां दा अरदास दे विच हमेशा इदा जुड़ना चाहिए इस तरीके नाल कि गुरु साहब हाजर नाजर ने गुरु साडा अंग संग है गुरु साडा सानू देखदा है ते संगत जी जिहड़े शरीर अरदास नहीं किथे हो रही है जां गुरु धाम च हो रही है गुरु घर च हो रही है ग्रंथी बाबा जी अरदास कर दें अरदास एक वह भी है जी साडे अंदरों में निकलती साडे हिरदे चो निकलती है जो तुसीं घरां विच भी अरदास करदे हो ना चाहे वह शब्द साडे पूरे बनते नहीं बनते साडे अंदरों आवाज निकलती दाता साडे तरस कर रहमत कर दया कर वह शब्द भी गुरु नानक नूं प्रवान ने यह तो पंथक अरदास है पर एक अरदास सतसंग जी साढ़े हिरदे चो निकलती है मैं छोटी जी विचार करके समाप्ति कर देव साढ़े जिंदगी कोई दुख आता ना दुख जो सारे रिश्तेदार मूँह मोड़ लैन भाई भैन मूँह मोड़ लैन सज्जन मित्र क्योंकि सुखों के संगी बड़े ने दुखों के संगी कोई कोई होंगे दुख च कोई नड़े नहीं लगता ये तुहानू सारयां नूं चंगी तरह पता है भुलेखा नहीं सुख जिहड़ा कदे नहीं आया सुख जो भी आऊगा दुख इहो जिही चीज़ आ दुख च सार लैण वाले भी बड़े घट हुंदे ने मरन कहिंदा ना विपत भरी सब ही संग साडत कोहु न आवत नेरा याद रखिए जो दुख आंदा है ना सारा संसार दूर हो जाता है पर बड़ी खुशी की गल है बड़ी करमां की गल है कि उदों बंदा रब दे बड़े नेड़े हो जांदा उदों बंदा गुरु घर दे महापुरख दे रब दे प्यारे दे गुरु शब्द दे नाम दे सिमरन दे गुरबाणी दे कह लईए गुरु घर दे कह लईए बंदा बहुत मनुख नेड़े हो जांदा कि वाहिगुरु संसार जनन पिता लोक सुत बिनता कोई ना किस की तरह सारे संसार दूर हो गया पर मेरा निरंकार मेरा मालक मेरा प्रभु मेरे नज़दीक हो गया पास हो गया दुख ऐसी चीज़ है वह दुख से जोड़ी अरदास निकलती ना अंदरों वह प्रवान होंगी उदो शब्द बनते हैं अपने आप दुख आएगा तो शब्द बनाने की लोड़ नहीं पैनी तुहानू तुहाडे अंदरों शब्द आपे ही हीरे मोतियां वांगू निकलणगे दाता जीवन जो चंगा कर्म नहीं किया है तेरी अंश है तेरे पुत्र हैं तेरे बच्चे हैं पता नहीं साढ़े अंदरों किनिया कु जिमें जिमें किसी का शरीर मन है बिरती है बिरतियां भी तीन प्रकार दियां छतो रजो ते तमो जिमें बिरतियां ने बिरतियां दे हाव भाव दे नाल बंदे दे अंदरों निरंकार लई अपने जीवन लई अरदास निकलती है उस अरदास नूं कदे लफ्सां दी शब्दां दी लोड़ नहीं हुंदी वो लफ्ज़ ते शब्द साडी रूह आप ही बना देंदी कदे जमा के देखो दुख होगा साडे अंदरों शब्द अपने आप चलणगे गुरु एक इन्ना समर्थ है गुरु साढ़े अंदर है बाहर संसार परमात्मा नूं पालदा बाहर कुछ नहीं हैगा जो कुछ खजाना नाम दा जो कुछ खजाना अमृत है जिहड़ी गुरबाणी विच बेगमपुरे की गल है वह भी साढ़े अंदर है गुरुदेव कृपा करन आओ उस महाराथ नूं महा आनंद नूं अमृत वेले जाग के बाणी पढ़ के सिमन करके गुरु गुरु जप के उस परम आनंद परम अवस्था नूं प्राप्त करिए सो गुरुदेव सारयां नूं अंदर दी अध्यात्मक जीवन दा बल बख्शे अध्यात्मक जीवन भी होना बड़ा जरूरी है शरीर दा जीवन बनाउंदे बनाउंदे दुनिया थक गई है शरीरक जीवन नहीं बनता जीवन बनता अध्यात्मक जीवन जे अध्यात्मक जीवन नहीं शरीरक जीवन नहीं है गुरुदेव कृपा करन कई गल्लां दी समझ सानूं घट लगदी हुंदी है जदों लगदी है उदों काले वाल चिट्टे हो जांदे समां लंघ जांदा इस करके गुरु कृपा करे वेले नूं समय नूं जिन्ना संभालिया वह भव सागर तो पार होए है गुरु बाबा जी सतगुरु गुरु नानक साहब कृपा करन गुरु ग्रंथ साहिब रहम करन आओ अस्थान ते हाजरी भरी है जिहड़ियां इच्छावां लैके आए हैं मेरे बाबा जी झोलियां भरन
आओ अनंत शब्द का पाठ अरदास हुक्मनामा सुन के सारे घर जाना। वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी की फतेह।